हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इवेल्युएशन के बारे में। डियर फ्रेंड्स, अगर आपका रिजल्ट 10th क्लास का या 11th क्लास का या 12th क्लास का रिजल्ट अभी रिसेंटली निकला है तो आप अपना रिवेल्यूशन फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट रीअपेयर है। बट उसके लिए कुछ कंडीशंस है फ्रेंड्स। सभी स्टूडेंट्स अपना रिवेल्यूशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कौन कौन स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसके लिए फ़ीस रहने वाली है? डियर फ्रेंड्स, अगर रिवेल्यूशन की हम बात करें, रिवेल्यूशन की फ़ीस अलग से रहने वाली है, और जो आपके आंसर शीट्स अगर अपने घर में मंगवाना चाहते हैं उसकी जो फीस है वो अलग से रहने वाली है। और अगर हम बात करें कब से इसके फॉर्म लगने शुरू होंगे, कब इसकी लास्ट डेट है, सब इस वीडियो के अंदर हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे पहली जो इनकी इंस्ट्रक्शन है उसमें इन्होंने बताया कि द प्रेस्क्राइब्ड फी फॉर रिवोल्यूशन इज आरएस 495 रुपीज़, यानी कि 495 रुपये इसके लिए आपको फ़ीस भरनी होगी रिवोल्यूशन फॉर्म के लिए। अगर आप अपनी आंसर शीट मंगवाना चाहते हैं घर में तो उसके लिए 255 रुपीज़ आपको जो है इसके लिए फ़ीस भरनी पड़ेगी। बट फ्रेंड्स, आंसर शीट्स आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से मिलेगी, और वहीं से आपको एज ए PDF आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या आप उसकी फोटो स्टेट जो है वहीं से ले सकते हैं। आपको आंसर शीट के लिए उनके जो ऑफिस है JK बोर्ड, आपको वहाँ पर विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि रिवोल्यूशन फॉर्म जो है वही कैंडिडेट्स भर सकते हैं जिन कैंडिडेट्स के 20% मार्क्स हैं या मोर मार्क्स असाइन टू बी कंसर्निंग सब्जेक्ट्स, यानी कि आपके 20% मार्क्स होना जरूरी है तब जाके आप अपना रिवोल्यूशन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ पर नोटिस फॉर कलेक्शन ऑफ फोटोकॉपीज आंसर स्क्रिप्ट शैल बी अपलोडेड ऑन दी बोस। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो आंसर शीट्स हैं, जो आंसर स्क्रिप्ट्स हैं, वो आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेंगी जब आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो कुछ दिनों के बाद जैसे ही उनका जो उसका प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा तो आप उनकी वेबसाइट से जो अपनी आंसर शीट्स हैं उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है इसमें, नो स्टूडेंट्स विल विजिट दी JK बोस ऑफिस विदाउट फॉलोइंग। यहाँ पर ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कोई भी स्टूडेंट्स को या किसी भी स्टूडेंट्स को JK बोर्ड में विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको जो आंसर स्क्रिप्ट्स हैं वो आपको ऑनलाइन ही घर बैठे मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है इसमें बताया कि दी एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग JK बोस वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट्स। आप जब इसके लिए आप अप्लाई करेंगे तो आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट्स के लिए या रिवोल्यूशन रिजल्ट के लिए आप इनकी जो वेबसाइट है उसके हर एक अपडेट्स को चेक करते रहें डे बाई डे। और नेक्स्ट जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पर देख सकते हैं, द नोटिस फॉर कलेक्शन ऑफ फोटो स्टेट्स सॉरी इनकेस देयर रोल नंबर इज मिसिंग इन द लास्ट अपलोडिंग शेड्यूल दे मस्ट रिपोर्ट द सेम ऑन द फॉलोइंग डे अलॉन्ग विद रिसीव्ड प्रूफ ऑन अवर ईमेल ID। अगर आपका रोल नंबर मिसिंग है उसके लिए इन्होंने अलग से जो ईमेल आईडी दी हुई है, यहाँ पे जम्मू डिवीजन वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो ईमेल आईडी रहेगी, आप इस ईमेल आईडी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपका रोल नंबर मिसिंग है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप इन ईमेल आईडी से आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट जो इनकी इंस्ट्रक्शन है उसमें कहा कि दी कैंडिडेट्स हैविंग डिसक्वालिफिकेशन एंड एग्जाम पेपर कैंसिल आर नॉट एलिजिबल टू फिल दी फोटो स्टेट कॉपीज आर रिवोल्यूशन फॉर्म्स इन दी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। जिन स्टूडेंट्स का कोई एग्जाम या पेपर जो भी कैंसिल हुआ है वो स्टूडेंट्स अपना रिवोल्यूशन फॉर्म या अपना आंसर स्क्रिप्ट के लिए इसके अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कब से इसके फॉर्म लगना शुरू हो जाएंगे, डेट ऑफ ओपनिंग लिंक फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन फॉर्म्स रिवोल्यूशन या फोटो स्टेट कॉपी के लिए ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स, उसके लिए आप 2 जनवरी 2024 से आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। और लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑफ फॉर्म्स ऑब्टेनिंग फोटो कापी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए 11 जनवरी 2024 तक आप अपनी जो फोटो कापी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट अगर चाहिए तो उसके लिए 11 जनवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और डेट फॉर अपलोडिंग लास्ट शेड्यूल फॉर कलेक्टिव फोटो कापीज ऑफ दी, जो डेट है कि कब से आपको जो आपकी आंसर स्क्रिप्ट हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं 13 जनवरी 2024 से जो इसकी आंसर स्क्रिप्ट हैं जो उन वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएंगी। देन जो लास्ट डेट है फॉर फिलिंग रिवोल्यूशन फॉर्म्स की वो 16 जनवरी 2024 तक रहने वाली है। इन सभी इंस्ट्रक्शंस को हमने पढ़ लिया और सभी जो इसकी टाइमलाइन है वो सब कुछ हमने पढ़ी है। अब इसकी इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप देख सकते हैं www.jkbose.nic.in, इस वेबसाइट के थ्रू आप अपना रिवोल्यूशन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है आप कॉमेंट जरूर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।